कैप टू की सीट मैट्रिक्स आ चुकी है अभी आप जानते हो कि टॉप कॉलेजेस में हार्डली कोई सीटें बची है तो क्या माइनॉरिटी की सीट जो बच जाएगी वो ओपन कैटेगरी uh, के बच्चों को मिलेगी दूसरी चीज कॉलेजेस आर आस्किंग फॉर दुल्ड एट द सेम टाइम वॉट एडमिशन वॉट इज वॉक एडमिशन एंड इंस्टीट्यूशन राउंड कैसे होने वाला है आई एक्सप्लेन यू इन दिसक्योर दैट यू वॉच दीडियो हाई गैस वेलकम बैक टू मीडिया मैडम नाउ टॉकिंग अबाउट की जो मैं आपको समझाने वाली हूँ प्लीज ध्यान से सुनीगा बेटरमेंट का मतलब है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व जितने भी कॉलेजेस डाले थे उसमें से आपको नंबर सेवन कॉलेज मिल गया ना वॉट यू एव ड आपने हजार रुपये पे करके उसको नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट कर दिया राइट right? अब क्या होगा जब आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो जो भी कॉलेजेस आप भरने वाले हो वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में रजिस्टर होगा एज अ बेटर कॉलेज सो जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उससे बेटर कॉलेजेस ही आपको डालने हैं आपको पहले जो आपने कैप राउंड किया है उसकी तरह से मिक्सड कॉलेजेस नहीं डालने हैं ऑल्सो क्वेश्चन की जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो किस नंबर पे डालना है सो so, सी का जो रूल है जितने भी फॉर्म्स हमने

उसमें अलॉटमेंट में क्या होगा कि अगर आपका जो कॉलेज है फ्रीज उससे जो आपने ऊपर पांच कॉलेज डाले उसमें से कोई भी कॉलेज में अगर आपको सीट लग गई तो आपका जो रिजर्व कॉलेज है उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी सो देर आर स्टूडेंट्स आई नो जिन्हें जो कॉलेज में अलॉट हुआ है उन्होंने फ्रीज किया नहीं उन्होंने बेटरमेंट के लिए डाला बट नाउ दे वांट दैट कॉलेज ओनली तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उससे ऐसे बेटर कॉलेजेस डाल दो कि जिसमें कोई होप ही नहीं है Right? तो ये हो सकता है कि आपका वही कॉलेज रहेगा अगर आपने जो कॉलेज मिला है उससे कम वाले कॉलेज दिया और अगर आपको मैम तो so, आप कॉलेज नहीं मिला ऐसा हो गया मैं कैप राउंड के बाहर हो गया वगैरह वगैरह तो दैट्स वाई थॉट इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो की वॉट इज बेटर एंड आई होप दैट इज क्लियर प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो की आप क्लियर हो गए हो बिकॉज आई डोंट की कोई भी बच्चे का ये मिस्टेक हो आल्सो गाइस एप्रोक्सीमेटली सिर्फ 20 टू 25% बच्चों का CAT कैप 1 में एडमिशन कंफर्म हुआ है काफी तादाद में बच्चे बेटरमेंट के लिए हैं. And as you can see, है, गए हैं एंड एज यू कैन सी जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी सीटें ऑलमोस्ट भर गई हैं एंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू द द इन प्रीवियस वीडियो जो इसके पहले मैंने डाला है सुबह में कि भाई, मिठी भाई जैसे colleges में सिर्फ चार सीटें बची है यूपीजी में तो एम एस जो महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट है उनके लिए जीरो सीटें हैं तो जब आप पूछ रहे हो ना कि मैम ये कॉलेज में हो जाएगा कि वो कॉलेज में हो जाएगा अंडरस्टैंड जो सीटें बची है बस वही कैप टू के लिए अब खुली है तीसरे कैप में हो सकता है ये कॉलेजेस पार्ट भी नहीं लेंगे रही बात इंस्टीट्यूशन राउंड की और कैप थ्री राउंड की जब कैप टू का मैट्रिक्स आएगा तो इसी तरीके से कैप थ्री में सारा प्रोसेस होने वाला है जो कैप टू में हो रहा है नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन राउंड जो बच्चों को लग रहा है भाई ये चौबीस सीटें बची हैं ये छत्तीस सीटें बची हैं ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स सीट सद है ये आपको कैसे अलॉट होगी जैसे मैंने आपको समझाया गया इंस्टीट्यूशन सीट का मतलब है कि कॉलेज वो अपने हिसाब से सीटें अलॉट कर सकता है नाउ कैप प्रोसीजर में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन राउंड में डिस्प्ले होंगे yes, ये की खुली है सो ऑलरेडी डिसाइड की भाई ये जो सीट है वो रिजर्व हो चुके हैं जो भी पांच दस सीटें या फिर दो तीन सीटें खुली होंगी बच्चे अप्लाई करेंगे बट क्या वो आपको सीट मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है तो इंस्टीट्यूशन राउंड उन्हीं कॉलेजेस के आप एप्लीकेशन डाल पाओगे या प्रॉपरली आपको अलॉटमेंट होगा जिन्होंने वॉक इन एडमिशन या फिर मैनेजमेंट सीटों के वाया अपने जो एडमिशन है वो फ्रीज नहीं किए हैं तो जो रिमेनिंग सीटें हैं कॉलेजेस के पास वो आपके इंस्टीट्यूशन राउंड में खोलेंगे अब जब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम इंस्टीट्यूशन राउंड में अप्लाई कैसे करना है सारी चीजें आपकी वेबसाइट पे ही होगी बट एज आई आट कि इंस्टीट्यूशन जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी कॉलेज डिसाइड करता है कैसे किसको अलॉट करनी है तो आपको जो पहली चीज है वो ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आप वॉकिंग जा रहे हो तो कॉलेजेस जाओ वॉक इन करो आ, आपको वो बोलेंगे कैप राउंड के वाया ही आने के लिए बट दे विल एटलीस्ट टेक योर कंफर्मेशन एज कि भाई आपका एडमिशन ये राउंड तक हो जाएगा दैट इज हाउ इट फंक्शन सो देर आर सम कॉलेजेस वो आपको बोल देंगे भाई हमारी कॉलेज की सीट भर गई है बट येस देर आर लॉट ऑफ पीपल देर आर पीपल हु आर मैनेजिंग एडमिशन फॉर द टॉप कॉलेजेस दे विल चार्ज यू मनी इट इज कंप्लीटली मैनेजमेंट सीट एक्स वाई जी अमाउंट दैट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम मुंबई

उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है अबाउट द फीस उन्होंने टी एफ डब्ल्यू एस की सीटें लगाई हैं बट देर इज नो क्लियर रिटर्न कम्युनिकेशन टू द कॉलेज दैट वॉट टू बी डन फॉर द फीस सो रही बात आपको अगर फीस भरने बोला जा रहा है तो रिटर्न में कॉलेज से ले लीजिए दैट वंस दी आर कम्स इन फ्रॉम दी टी और ए आई सी टी आपको फीस रिफंड मिलने वाली है यू हैव टू बी श्योर अबाउट दैट और जब भी आपको वो सीटें नहीं दी जा रही है या पैसे मांगे जा रहे हैं या कुछ भी बोला जा रहा है यू कैन रेज अ टिकट यू कैन कंप्लेन टू द सी टी सेल आप कॉल करके बोलिए कि ये कॉलेज है मेरा सीट

हो जाए जो भी कॉलेज में सिर्फ जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बेटर कॉलेजेस ही हमें भरने हैं दैट इज हमेंट देंट मीन आई होप इज क्लियर आई हो गए गाय वीडियो इंफॉर्मेट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टेड फॉर इफॉर्मटिव ऑन मीडिया मेटर डोंट फर्ग टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू टू गेट इन टच विद मी फॉर पर्सनल काउंसलिंग सेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट करियर कॉलेजेस में कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स